लव मैरिज की मिली खौफनाक सजा। जयपुर में एक पति की भयंकर क्रूरता। पैसा मांगता नहीं देने पर बेल्ट से मारता। आखिरकार कर ही दी निर्मम हत्या। करंट लगाकर पत्नी को मारा। वारदात के बाद से दरिंदा पति फरार। जयपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी को करंट लगाकर मार दिया और फरार हो गया। मामला है सिरसीकुंडा के वैशाली उत्सव अपार्टमेंट का। यहां तब हंगामा मच गया जब अपार्टमेंट के बाथरूम में एक महिला का शव मिला। बताया जा रहा है कि मृतका के परिजन दो दिन से मृतका को फोन कर रहे थे, पर वो फोन नहीं उठा रही थी। किसी अनहोनी के डर से वे जयपुर पहुंचे। यहां फ्लैट बाहर से बंद था। फ्लैट में जाकर देखा तो महिला बाथरूम में करंट से बुरी तरह से झुलसी हुई थी और शायद उसकी मौत दो दिन पहले ही हो चुकी है। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन ने सुनील कुमार से लव मैरिज की थी। सुनील ने शादी के कुछ समय बाद काम करना छोड़ दिया और उससे पैसे मांगने लगा। महिला ने सारी सेविंग उसे दे दी। इसके बाद भी वो ना रुका। आए दिन उसने अपनी पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। महिला के परिजनों से भी पैसे मांगने लगा। जब जब रुपए नहीं मिलते वो पत्नी को बेरहमी से बैल से मारता। कई बार समझाइश की गई लेकिन आखिरकार उसने हत्या कर ही दी। वही घटना के बाद से मृतका का पति फरार है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये वैशाली जो अपार्टमेंट है इसके फ्लैट नंबर 404 एक महिला थी आरती गुप्ता, वहाँ रहती थी करीब 4 साल से। उनकी बॉडी मिली है और आस पड़ोसियों के मुताबिक ये दो दिन से इसमें कोई हलचल नहीं थी। इसमें तो संभवतः ये दो दिन पुरानी घटना। सर अरबू पता लगा कहाँ का था, कहाँ का रहने वाला है? इसके पति हैं, इन्होंने मंदिर में शादी कर रखी थी। सुनील कुमार है, उनका बिहार का निवासी है। अभी वो फरार है। वो भी दो दिन से ही परसों सुबह के इन फ्लैटों से निकला है। उसकी तलाश कर रहे हैं, जो भी स्थिति होगी स्पष्ट करेंगे। महिला सर अकेली रहती थी यहाँ पर? नहीं, इसका पति है, वो बाहर अभी जॉब कर रहा था, पहले ही जॉब करता था। फिलहाल उसका जैसा जानकारी में आई वो अलवर में जॉब कर रहा था, वो आता जाता रहता। पत्रकार के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।